स्कॉर्पियंस वेलकम टू गुरु माया दी टैरो और ये रीडिंग है जुलाई की फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं फिर क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। एस ऑफ वॉन्ड्स। Nine of Swords in reverse. Seven of Swords in reverse. Page of Pentacles in reverse. Ten of Pentacles. तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि आप अब अपने डार्केस्ट फेज से बाहर आने वाले हैं। स्कॉर्पियंस नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपने बहुत तकलीफें झेली हैं। क्लियरली ये पर्सन आपके साथ नहीं था जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे, आप किसी को समझा नहीं पा रहे कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आप अकेला फील कर सकते हैं। पर जब आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है, आई मीन आप ऐसे बहुत सारे लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के इश्यूज के बारे में ही सोच रहे हैं, सारी चीजें बैक सीट पे चली गई है और आपको लग रहा है कि अब कभी कुछ नॉर्मल नहीं होगा। इस नेगेटिविटी से आप बाहर नहीं आएंगे या ये जो चीज है ये आपके ऊपर ऐसा असर करेगी कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो कुछ भी आप सोच रहे हैं फिलहाल स्कॉर्पियंस, ये बस एक सोच ही है क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। आप अपने पास्ट के कॉर्ड्स को तोड़ के आगे बढ़ेंगे, you know, क्योंकि आप इस सिचुएशन में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा इंटेंस है और कोई भी इंसान इस तरह के टर्ब्यूलेंस के साथ, इस तरह के क्रेजीनेस के साथ ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकता। इनफैक्ट जब आपकी ये सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि लाइट है टनल के एंड पे और आप वहां पहुंच ही गए हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन करने का मन बना लेंगे इस फर्स्ट वीक में। आप में से बहुत सारे लोग ये फील करेंगे कि इस सिचुएशन में रहने से अच्छा है कि आप आगे बढ़े, अपने लाइफ को देखें, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपके लायक नहीं है। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकता है जिन्होंने आपको अचानक से टेक्स्ट करना बंद कर दिया हो या कॉल नहीं रिसीव कर रहा है आपका, आपको एक तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट देके डिस्टर्ब कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। आप में से बहुत सारे लोग इस फर्स्ट वीक में ये रियलाइज करेंगे कि एक ऐसा इंसान जो आपसे लॉयल नहीं हो सका या जो आपको आपके हक नहीं दे सका, आपके साथ कमिट नहीं हो सका, उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए आपके लाइफ में। I mean, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेकअप कर ले या जो भी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के रिवर्स में होने का मतलब है शायद स्कॉर्पियंस आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे इंसान को तवज्जो दे रहे हैं जो आपको डिजर्व नहीं करता। एंड आप में से बहुत सारे लोग ये चूज कर सकते हैं कि आप अकेले बेहतर हैं इस पर्सन के साथ होने से या आप बेहतर डिजर्व करते हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से बाहर आना चाहेंगे क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये
आपकी सोल को हार्म कर रहा है, ये एक तरीके से आपको आपसे अलग कर रहा है, आपकी स्पिरिट से अलग कर रहा है, एंड ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से बाहर आना चाहेंगे, एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ अमेजिंग होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पार्टी चल रही है, यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत सारी खुशियाँ देंगी, और ये सब कुछ आपको इस सिचुएशन से बाहर ले आएगा। बेसिकली टैरो आपसे कह रहा है कि अकेलेपन को छोड़ के लोगों से मिलना शुरू कीजिए, अपने वेल विशर्स से मिलना शुरू कीजिए। ये अपने आप को फोर्स करने के बारे में नहीं है, मूव ऑन करने या किसी को डेट करने के लिए नहीं, ये है बेहतर फील करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हैं आप, शायद जिस चीज़ को आप अपनी ब्लेसिंग समझ रहे थे, जिस रिलेशनशिप को आप अपनी ब्लेसिंग समझ रहे थे, वो एक्चुअली में एक कार्मिक रिलेशनशिप था स्कॉर्पियन साहब के लिए। और जो भी लेसन्स आपने लर्न किए हैं ये आपके लिए फ्यूचर में काम आएंगे और चीज़ें बदलेंगी। ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं, तो आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, हालांकि ये इतना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है एंड साइन कोई भी हो सकता है, और ये रीडिंग सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। हो सकता है एनर्जी रिवर्स हो अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। जजमेंट, डेथ, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड द टॉर। तो यहां पे जजमेंट का कार्ड है, यानी आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, और डेथ के साथ अपने इस पेन को एंड करना होगा, क्योंकि डेथ यहाँ पे बहुत सारी रिलीफ लेके आ रहा है आपके लिए। ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है आपके रीडिंग में, इसका लेना देना आपके स्ट्रगल से है जो कि खत्म होने वाला है। और एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर आप सिंगल हैं स्कॉर्पियंस, आप ऐसे बहुत सारे लोग किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं जो कि बहुत पैशनेट है, फियर्स है, इंटरेस्टिंग है, एंड अबव ऑल टैरो आपसे कह रहा है कि अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, ये रिलेशनशिप ही आपके लिए सब कुछ नहीं है। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ फोकस कीजिए वर्क पे और एक बेहतर फ्यूचर पे, क्योंकि ये बेहतर फ्यूचर ही आपको एक दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहा है। यहाँ द टावर आप देख रहे हैं, द टावर के साथ ये चेंजेस जो आपके लाइफ में आ रहे हैं ये पॉजिटिव है, और इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस यूनिवर्स के साथ चलते जाइए, एंड आप देखेंगे कि ये सब आखिर हुआ क्यों। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ज़रूरत है इस स्वॉर्ड से छुटकारा पाने की, इस पेन से छुटकारा पाने की, तो इस बोझ को अपने दिल से हटाइए। सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेट करने की, जैसे कि मैंने कहा कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि सोशलाइज कीजिए, लोगों से मिलिए, वो लोग जो कि आपके वेल विशर हैं उनसे अपनी फीलिंग्स को डिस्कस कीजिए,
आप अपनी बातों को सही शब्दों में कहेंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग आपकी बात को समझेंगे एंड चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये है रीडिंग जुलाई की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।